अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैम, आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रैक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वह 6 नवंबर, ठीक है, 2023, और मंडे का दिन है। मार्केट की वीकली ओपन हो चुकी है, ठीक है, और अब हम देखते हैं कि मार्केट में अगर न्यूज़ की बात की जाए तो कोई ख़ास फंडामेंटल नहीं है, लेकिन टेक्निकली मार्केट मूव करेगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। अच्छा जी, लें जनाब यूरो यूएसडी का इस टाइम चार्ट देखते हैं आप लोग। मैंने आप लोगों को इसमें एक चीज़ बताई थी कि इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग करेंगे, मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये जो एरिया था ना, ये वाला, ये इसका जो है अब सपोर्ट एरिया बन चुका है मार्केट में। पहले ये रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन चुका है, तो अगर इसको इस यहाँ पर मिलती है तो आप लोगों ने यहाँ से इसको बाइंग करना है, ठीक है, इसको बाई करना है। अदरवाइज करंट सिचुएशन के ऊपर मार्केट बुलिश मोमेंटम में लग रही है और ये बुलिश यहाँ तक जा सकती है, ठीक है, तो एहतियात करना है। अगर आप डायरेक्ट बाय करते हैं तो फिर एसएल देख ले अपना, एसएल जो है ना इसी कैंडल के नीचे एसएल लगाना, क्योंकि अगर ये कैंडल सेल की बन गई ना, ये कैंडल सेल की में कन्वर्ट होती है तो फिर इस तक आएगी। जब अगर इस तक ये सेल की कैंडल बन जाती है तो फिर ये जो स्ट्रेटजी बन जाती है ना, ये सेल की कैंडल बन जाए और ये बाय की बन जाए बीच में ये वाला साइन, और ये एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न होता है और ये लॉन्ग सेलिंग का पैटर्न बन जाता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो भी सेल करे ना यूरो यूएसडी, वो स्टॉप सॉरी बाय करे, स्टॉप लॉस अपना लाजमी लगाना है उसने। सेम जीबीपी यूएसडी भी उसी तरह ही मूव करे, ठीक है, ये दोनों सेम चलते हैं, लेकिन मोस्टली चांस बाय के हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवी सेम चलते हैं, तो इसलिए इनकी मूवमेंट सेम होती है, उसमें अगर जिस एक का बताया उसमें दूसरा भी सेम। जी तो अब हम बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवी के। ओपन किया चार्ट ये ने जनाब, यूएसडी जेपीवाई का भी वेट करते हैं, इसको इंशाल्लाह सेल करेंगे 150.500 से। इंशाल्लाह आज का जो सिग्नल है 151.200, ये स्टॉप लॉस लगाना है आप लोगों ने, ठीक होगी बात, और टीपी अपना ओपन रखना है 148 तक लेके जाना है टीपी इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे भी बाइंग चल रही है लेकिन करेंगे सेल। जी तो अब हम बात कर लेते हैं अपना मशहूर पेयर गोल्ड का। ये लें जनाब, गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, सेल कैंडल बनी पड़ी है, और मैं भी आप लोगों को सेलिंग ही मशवरा दूंगा कि सेल ही एंट्री करें, नोट बाइंग। मैं खुद भी सेल करवाता रहा हूं और सेल की एंट्री भी करूं, खुद भी सेल पे हक में हूं, लेकिन 1972 से एक बाय करेंगे शॉर्ट बाय, 1972 ये एक 1972 का जो एरिया ना, यहाँ से इंशाल्लाह हम बाइंग की एक एंट्री पकड़ेंगे एसएल के साथ। अदरवाइज हम मैं सेल के ऊपर फोकस रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इधर आए डेली भी सेल की कैंडल है और मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग में आ चुकी है, और मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल भी क्लोज होना शुरू हो चुकी हैं, तो ठीक है। तो अगर आप लोगों को 89 मिले ना, 1989 मिले तो आप लोगों ने सेल की एंट्री करनी है, एसएल लगाना है 1995, ठीक है, 1995 एसएल लगाना है आपने, और 1989 से आप लोगों ने सेलिंग एंट्री करनी है, ठीक होगी बात। सिग्नल ये भी दे दिया मैंने, बाय का भी बता दिया। अगर ऐसा रेट हो जाता तो नेक्स्ट फिर एंट्री जो अच्छी एंट्री है वो 2000 प्लस से ही है, फिर 2005 2004 7 यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जी तो गोल्ड के बाद डॉलर इंडेक्स भी एक नज़र देख लें। जी डॉलर इंडेक्स देखें, डॉलर इंडेक्स तो डाउन आ चुका है लेकिन गोल्ड भी डाउन आ रहा है, क्योंकि पता है ये देखें, हालांकि इसको डॉलर नीचे आया है, गोल्ड को क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, लेकिन गोल्ड भी ऊपर गया है, नीचे आया है। इसकी रीज़न ये है कि डॉलर तो चलता ही चल रहा है, गोल्ड अपनी मर्जी कर रहा है सिर्फ वार की वजह से, लेकिन क्या प्रेशर बढ़ रहा है इसराइल के ऊपर, तो इसलिए उम्मीद है कि अनकरीब जंग बंदी भी हो जाएगी। जंग बंदी जब होगी तो गोल्ड और नीचे गिरेगा, इसलिए गोल्ड को टॉप से सेल पकड़ें, बाय की तरफ नहीं सोचना। नेक्स्ट चलते हैं। डॉलर अगर देखें, अगर डॉलर नीचे आएगा तो यूरो यूएसडी जारी बता ऊपर जाएगा, जीबीपी यूएसडी जारी बता ऊपर जाएगा, तो एहतियात करना। जी तो अब हम नेक्स्ट बात कर लें बीटीसी, यूएस ऑयल को सॉरी देख लेते हैं, यूएस ऑयल के ऊपर अच्छी हमारे ट्रेड करते हैं। अभी इसका कोई खाता नहीं है, यहाँ पे रुक गया है। मैंने आप लोगों को बताया कि हम 77.00 से एक बाय एंट्री करेंगे, अगर ये हमारा सेट फेल होती है ऐसा लीटर तो फिर 74 से करेंगे, ठीक है। और सेलिंग में आप लोगों को बता गया था कि 85 से करेंगे इंशाल्लाह, 85 से सेलिंग करेंगे, ठीक होगी बात।
नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट पेयर ब्रिटिश दिया गया, बिटकॉइन की चार्ट ओपन करें। देखो 5 मिनट की वीडियो और मैंने 7-8 पेयर बना दिए, 7-8 पेयर के आप लोगों को एनालिसिस देते हैं। कितनी शॉर्ट में, कोई भी मुझे यूट्यूबर ने देखा जो इतनी शॉर्ट में इतने पेयर का बताते, कोई हैं अभी एक दो, लेकिन मैं आप लोगों को चार्ट दिखा के चीज़ें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। अच्छा, तो BTC का यही है कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम सेलिंग करेंगे, सॉरी बाइंग करेंगे, लेकिन अच्छे लेवल से करेंगे। लेवल वो कौन से एक लेवल थे, मैंने 32 का बताया था, ठीक है, उसके बाद 30 भी रहता या 28 बताया था। अगर ये लेवल मिल गए तो इंशाल्लाह हम बाइंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट कल इंशाल्लाह। बहुत अपना बहुत